हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओपन सोर्स कुक। तो अब इस वीडियो में हम ये एक बल्ब में लगाने के ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या होता है। मेरे पास एक बल्ब है जो ख़राब हो गया है, 9 वाट्स का है। तो चलिए देखते हैं, इसका कवर निकाल दिया। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें एक दूसरे टाइप की प्लेट है, तो लेट्स सी कैसे बैठेगा। किसी और वीडियो में हम देखेंगे इसको कैसे हम रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, एक और इसका चलने का ज्यादा कारण ये हो सकता है कि इन्होंने थर्मल पेस्ट नहीं लगाया। थर्मल पेस्ट लगता है जिससे हीट अच्छे से ट्रांसफर हो जाए। तो इसमें ये थर्मल पेस्ट आप देख सकते हैं बहुत ही कंजूसी के साथ लगा हुआ है। ये हमें निकालना पड़ेगा, तो देखते हैं कैसे निकलेगा। तो ये बहुत सारी खींचतान करने के बाद यहाँ से आपको थोड़ा साइड साइड से स्क्रू ड्राइवर डाल के निकालना है, और इसमें थोड़ा ये टूट फूट भी गया है तो ये निकल आएगा। इसको तो हम बाद में हैमर मार के ठीक कर लेंगे। तो ये आप देखिए पुराने स्टाइल का है, ये होता है ड्राइवर और बाकी सर्किट, और ये सर्किट लोअर वोल्टेज पे चलता है डायरेक्टली, जो एलईडी का पार्ट है। और ये है, अब इसमें फ़र्क ये है कि ये जो है ये हमारा डायरेक्ट 220 से चलेगा, तो हमें इस सर्किट की ज़रूरत नहीं है अंदर वाले हिस्से की। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो इसको मुझे लगता है यहाँ से हमें सोल्डर करके बाहर निकालना पड़ेगा, डिसोल्डर करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। ये आ गई हमारी 25 साल पुरानी सोल्डरिंग आयरन, और तो ये आ गया बाहर। तो ये है आपका पुराना ड्राइवर सर्किट, देखिए कुछ काला काला भी पड़ गया है इसमें। चलिए अब इसकी जगह हम ये लगा देंगे, इसके अंदर कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लेट हमारी इधर लगेगी इस तरफ, छेद भी है वायर आने के लिए, और शायद हमारा बैठ भी जाए। तो इसको ज़रा मैं पीट पाट के सीधा करके लाता हूँ, फिर इसको हम लगाएंगे। चलिए, तो इसकी फिटिंग के लिए मेरे को एक छेद करना पड़ेगा, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये तो हो गया है, यहाँ पे अभी हम कनेक्शन कर देंगे। तो ये मैं कुछ वायर लाया हूँ, तो ये हम थोड़ा यहाँ से तो वायर ले लेते हैं ताकि ये ऊपर भी निकल सके और यहाँ पे भी हो जाए। तो ये देखिए बाहर आ गया है, इसको हम कर देते हैं सोल्डर। हम इसको यहां से निकाल
लेते हैं ये, और इसको अब यहाँ पे हम लगा देंगे एक एक पॉइंट को। तो ये जितना छोटा रहेगा उतना ही अच्छा है शोल्डर का पॉइंट, तो इसको थोड़ा सा मैं और काट देता हूँ। चलिए अब इस पे हम करेंगे शोल्डर। चलिए काफ़ी ठीक ठाक फिट हो गया है। अब इसको हम लगाएंगे अपने बर्थ के सॉकेट में। तो ये आ गया हमारा सॉकेट, और ये मैंने कर दिया है प्लग में कनेक्ट, और अब देखते हैं क्या होता है। एंड इट इज वर्किंग। चलिए अब इसका लगा देते हैं कवर। यह है इसका कवर, इसको मैं वापस लगा देता हूँ। ये लग गया है ठीक ठाक। अब इसको फिर से लगा के देखते हैं कैसी लाइट आ रही है। ये लीजिए अच्छी खासी लाइट लग रही है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये मैंने ऐप डाउनलोड करी है लाइट मीटर की, और ये हमारा पुराना बल्ब है, ठीक है। इसको हम यहाँ से इसे जला के देखेंगे। चलिए ये मैंने डब्बा रखा है, ये डब्बे की हाइट पे मैं रखूँगा इस लेवल पे, और फिर देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलिए और बाकी लाइट तो जली रही है तो उस पर ऐड होगा ये, या फिर मैं एक लाइट बंद कर देता हूँ। ये हमारी ऐप स्टार्ट हो गई है, देख सकते हैं 52-53 दिखा रहा है। थोड़ा इधर रख लेते हैं बल्ब, मैं यहाँ रखूँगा इस पॉइंट। ठीक है, अब देखते हैं दूसरे वाले का, जो कि ये आप देख सकते हैं ये एक एग्जिस्टिंग बल्ब है क्रॉम्पटन का, ये 7 वॉट है एक्चुअली। चलिए फिर भी ट्राई करने के लिए हम लगाते हैं, तो देखते हैं। इसका थोड़ा सा कम होना चाहिए, और ये हम अपने ऐप में देखते हैं। ये तो 15-14 के करीब दिखा रहा है, मतलब क्वालिटी वाइज तो ये अच्छा दिख रहा है। सही दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये है 15-16 तक जा रहे हैं। और ये है जो हम लाए हैं बल्ब, सपोजिटली 9 वॉट्स का है ये, और इसमें आप देख सकते हैं ये 10-12 तक चल रहा है। चलिए ठीक है, तो देख लिया अब ये 10-12 रुपये में रिपेयर हो गया। DIY करने का एक अलग ही मज़ा है। अब देखते हैं कितने दिन चलता है, इसको मैं लगा देता हूँ अंदर। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ऐसे ही मज़ेदार चीज़ें देखने के लिए।